वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स और ये आपका बिल्कुल हु बहू यू जी सी मॉक टेस्ट यू जी सी नेट मॉक टेस्ट है इसमें मैंने हर यूनिट से पंद्रह क्वेश्चन लिए हैं और ये पहला पार्ट है इसके दो पार्ट में मैं कवर करूंगा पहला पार्ट आ जाएगा और जो आप देख रहे होंगे और एक नेक्स्ट डे आएगा तो मैं होपफुली मैं मानता हूँ कि आपकी तैयारी पोलिटिकल साइंस की अच्छी चल रही होगी तो आप इनसे डिसाइड कर सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन डालें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं इस बार मैंने आंसर नहीं दिया इस बार मैंने ऑप्शन भी दिए हैं मॉक टेस्ट की तरह इसको मैंने बनाया है जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन है अगर आप इसमें से फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ला पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि आप, आप आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो काफी अच्छी चल रही है चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे पहला पार्ट मैंने पॉलिटिकल थ्योरी का लिया है और इसमें पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद स्टेट एंड इट्स मीन ऑफ गवर्नमेंट ये है पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस जो है वो कंसर्न करती है किससे कंसर्न करती है स्टेट और उसके स्टेट को चलाने के जो मीन्स होते हैं उससे कंसर्न करती है है तो इसका क्या आंसर गार्नर गिलक्रिस्ट या सीले पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद स्टेट एंड इट्स मीन्स ऑफ गवर्नेंस ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो काफी कम एक स्टेटमेंट वाले हैं जिसको पता है पता है जिसको नहीं पता वो नहीं पता तो इसका सही आंसर है डिमोक डिमोक साहब ने ये चीज बोली है कि पॉलिटिकल साइंस सी आंसर है इसका डिमोक ठीक है प्रपोनेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की जब बात आती है उसके प्रपोनेंट कौन कौन है क्या वो चार्ल्स मरियम साहब हैं जो बिहेवियलिज्म के फादर बोले जाते हैं

टेरेट्री सोवरेनिटी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट चार इसके पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ लोग टेरेटरी को इसका पार्ट नहीं मानते वो कहते हैं टेरेटरी एक एक टेरेटरी ही डिफाइन नहीं करती स्टेट को एक स्टेट की जो सोवरेनिटी होती है टेरेट्री के बाहर भी होती है ऐसे कौन कौन इनमें से कौन है जो ऐसा मानता है क्या वो बैंथम है या सीले है लिकॉक है या हरमन फिनर है अब तक अब आंसर बताते हैं उसके बाद दो तीन लोग और हैं जो टेरिटरी को नहीं मानते एज अ पार्ट ऑफ स्टेट उनमें से हैं हॉल डुगवे एंड विल बॉय ये भी नहीं मानते इनमें से सही आंसर है सीले सीले साहब टेरिटरी को पार्ट नहीं मानते स्टेट की डेफिनेशन का हु यूजेस द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत ईजी क्वेश्चन क्या वो प्लेटो साहब हैं मकेबली हैं एरिस्टोटल हैं या हॉप्स हैं सेवनटीन सेंचुरी में सबसे पहले नेशन स्टेट या स्टेट का जो शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था किसने किया इसका सही आंसर है मैकेवली मैकेवली साहब ने सबसे पहले यूज किया था वर्ड स्टेट का फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर टू इग्नोर एरिस्टोटल एरिस्टोटल साहब को सबसे पहले कौन सा मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर था जिसने इग्नोर किया था इग्नोर का मतलब ये कि उनकी थ्यूरी से जो उनकी फिलासफी से उससे उसने मतलब कि उनको सही नहीं माना उनका क्रिटिसिज्म किया इसका मतलब ये है इग्नोर करना ये नहीं कि सामने से आ रहा है भाई जा नॉट दैट इग्नोर उस टाइम में फिलोसफिकल पार्ट में ये बात है हॉप्स लॉक प्लेटो या मार्क्स सही आंसर है हॉप्स इसका सही आंसर है इसने कहा अ पर्सन कैन फॉरगॉट हिज फादर डेथ बट नॉट प्रॉपर्टी एक इंसान अपने बाप की मृत्यु को भूल सकता है पर लेकिन अभी खोई हुई प्रॉपर्टी को नहीं भूल सकता ऑप्स बेंथम मकेवली या लॉक इसने ऐसा कहा कि एक इंसान अ पर्सन कैन फॉरगॉट हिज फादर अपने फादर की डेथ को भूल सकता है फादर्स डेथ बट उसकी अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी को नहीं भूलता तो ये ऐसा बंदा है जो प्रॉपर्टी को काफी इंपॉर्टेंस देता है तो ये सब मैकेवली की स्टेटमेंट है मैकेवली ने बोला है ये मैकेवली की एक और बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो मैं बता देता हूँ मैकेवली ने कंपेयर किया है वुमेन को फॉर्च्यून से काफी बार पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इनमें से क्या सही नहीं है पॉजिटिव फ्रीडम हीगल पेन एंड प्लेजर का कॉन्सेप्ट बेंथम साइंटिफिक स्पेंसर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म एंजल्स देख लीजिए पॉजिटिव फ्रीडम से हीगल है बिल्कुल सही है प्लेजर एंड पेन का कॉन्सेप्ट भी दिया है बेंथम साहब ने साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पे बात आ जाती है साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म भी स्पेंसर ने दिया पर ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है ये कॉन्सेप्ट एंजल्स ने नहीं दिया ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टालिन का है लेनिन का है ठीक है लेनिन साहब का है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट तो सातवें क्वेश्चन में ऑप्शन डी हो जाता है गलत वर्क ऑफ अ स्टेट इज टू डिस्ट्रॉय द सेल्स सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस इन अ पर्सन वीकर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेट हिज करेक्टर राज्य का काम है एक सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस को अपने अपनापन को

नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू गुड्स वेयर एज पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पीपल ये किसकी स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स जो है वो गुड्स से रिलेटेड है, है, है आदमी और लोगों से रिलेटेड है well, brown, yeah, above. ये किसने बोला है साइंस ऑफ मटीरियल वेयर एज पॉलिटिक्स इज साइंस ऑफ पीपल ये किसने बोला है यह भी अलग स्टेटमेंट की तौर पर आता है तो इसका सही जवाब है गिलक्रिस्ट गिलक्रिस्ट साहब ने यह स्टेटमेंट दी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटिकल सिस्टम इन इज एनी परमानेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन पॉलिटिकल सिस्टम इज एनी परमानेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन वेयर पावर गवर्नेंस एंड अथॉरिटी इज इन्वॉल्व पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा परमानेंट सिस्टम है ह्यूमन रिलेशन का जहाँ पे पावर शक्ति गवर्नेंस एंड अथॉरिटी ये सब मिली हुई होती हैं। ये गार्नर ने बोला है गैटल ने बोला है ढाल ने बोला है या सीले ने बोला है तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे रॉबर्ट ढाल जो प्लुरिस्ट हैं जिन्होंने पॉलियार्की का पोलियार्ट बहुत फेमस दिया है उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन वेयर पावर गवर्नेंस एंड अथॉरिटी इज इन्वॉल्व अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये काफी बार पूछा गया है और ये फेमस बे किस साल में यूनेस्को ने पॉलिटिकल साइंस को रिकॉग्नाइज किया एज अ सब्जेक्ट एज अ स्ट्रीम एज अ फिलोसफी किस साल में रिकॉग्नाइज किया फोर्टी एट फोर्टी या फिफ्टी किस ईयर में इसको किया गया तो सही आंसर है क्वेश्चन आप कर पाए कितने नहीं कर पाए किस लेवल का क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहा होगा देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे पेपर में भी आपको ज्यादातर है कुछ स्टेटमेंट तो दिखेंगे जो आपको नहीं आती होंगी तो आपको थोड़ा गैस वर्क करना है और वो भी अच्छा गैस वर्क करना है अब जैसे ये है क्वेश्चन ये फैक्चुअल बेसिस है basis, आपको आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता नहीं आता तो जान लीजिए लिख लीजिए कहीं पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो अब देखो ये फॉर प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी डिक्टेटरशिप ऑफ साइंस 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 इज नेसेसरी किसने बोला है कि फिर जो है है कि डिक्टेटरशिप ऑफ जो बहुत जरूरी है। अब के लिए रूसो तो बिल्कुल खिलाफ था वो तो कहता था साइंस करप्ट कर रही है लोगों को जेएस मिल ने ऐसा कोई साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया सी बी मैकफर्सन साहब ने भी ऐसा कुछ नहीं दिया तो फैंकिस ब्रेकवून एक बंदा था जिसने बोला कि अगर सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो डिक्टेटरशिप ऑफ साइंस इज नेसेसरी साइंस का मतलब उस टाइम पे आज वाली साइंस नहीं लॉजिक और रेसनेलिटी की बात कर रहा था पे फ्रेंकिस बैकून. आई बात समझ में तो आप रूसो बहुत इजीली काट सकते थे इस क्वेश्चन में और जे एसमल काट सकते आपको सीवी मैक पर्सन नहीं पता होगा सीवी मैक पर्सन ने डेमोक्रेटिक थ्योरीज के बारे में बात करी है उन्होंने साथ साथ के कोई बात नहीं करी है अगर आपको ये सब चीजें पता है तो फ्रेंकिस बैकून ना जानते हुए आप ये क्वेश्चन कर लेंगे अभी बहुत फेमस स्टेटमेंट आती है हिस्ट्री हैज नो फ्रूट हिस्ट्री का कोई फ्रूट नहीं है विदाउट पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस की कोई जड़े नहीं है हिस्ट्री के बिना पॉलिटिकल साइंस हैज नो रूट विदाउट हिस्ट्री वेरी फेमस स्टेटमेंट पॉल जेनेट सीले गार्नर बता दीजिए किसने बोला है अभी हमने क्वेश्चन किया था जो लोग टेरिटरी नहीं मानते वही नहीं, नहीं किया बता दीजिए अब और इजी कर दिया मैंने आपके लिए जो टेरिटरी स्टेट की डेफिनेशन में टेरिटरी को नहीं मानते उन्हीं की डेफिनेशन है अगर मैंने इतना बोल दिया तो इसका मतलब है सीले भाई साहब इज द आंसर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और काफी फेमस स्टेटमेंट है सीले की कि भाई हिस्ट्री का कोई फ्रूट नहीं है पॉलिटिकल साइंस के बिना और पॉलिटिकल साइंस की कोई रूट्स नहीं है हिस्ट्री के बिना अगर कल को आपके अपने पेपर में दिख जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी इन इंग्लिश वर्ल्ड एक स्टेटमेंट है इंग्लिश वर्ल्ड में पोलिटिकल साइंस मर चुकी है पोलिटिकल साइंस हैज डाइड सोशलिस्ट स्टेट में वो मर रही इज कैप्चर्ड बंदी बना रखी हुई है किसी लोगों ने और और जगहों पे वो मर चुकी है मैया मर रही है ये किसने बोला पॉलिटिकल प्रिंसिपल के बारे में किसने बोला कि इन इंग्लिश वर्ल्ड पॉलिटिकल प्रिंसिपल हैज डाइड पॉलिटिकल वर्ल्ड वर्ल्ड इंग्लिश में पॉलिटिकल प्रिंसिपल मर चुके हैं सोशलिस्ट स्टेट में वो बंदी हैं और और जगह पे वो धीरे धीरे मर रहे हैं डेविड ईस्टन अल्फ्रेड कोबन वेपर या रॉबर्ट ढाल ये ये जो क्वेश्चन है वो है

अब इसको हमें मैच करना है देखो लास्की दिया हुआ है मॉस्का दिया हुआ है मैक्सी दिया है और ढाल साहब दिया हुआ है ठीक है पॉलिटिकल फिलोसफी लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट मॉडर्न पॉलिटिकल पोलिटिकल रूलिंग क्लास अब देखो सबको पता है कि मॉस्का साहब के साथ रूलिंग क्लास आना चाहिए अगर आपने बेसिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ी तो आप ये मिला सकते हैं मतलब बी का फोर बी का फोर सिर्फ इसमें है फर्स्ट और सेकेंड वाले में और ये काफी फेमस बुक है मॉडर्न modern... पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट की डी का डी का का जहां आपको पता लगा तो आंसर आपका हो जाता है ए ए मतलब होता है लास्की ने लिखी है लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट ये आप याद कर लीजिए लास्की ने लिखी है लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट मॉस्को की है द रूलिंग क्लास मैक्सी ने लिखी है पॉलिटिकल फिलोसफी एंड रॉबर्ट ढाल की बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ढाल साफ की तो ये क्वेश्चन थे पंद्रह क्वेश्चन पॉलिटिकल प्लास्टिक के अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन डाला है मैंने हाउ मेनी चैप्टर्स इन हिंदू स्वराज हिंदू स्वराज में कितने चैप्टर्स हैं बारह पंद्रह अठारह या बीस तो हिंद स्वराज में कितने चैप्टर हैं सोचिए हिंद स्वराज गांधी जी ने इंडिया आने से पहले लिखी है नाइनटीन जीरो नाइन में हिंद स्वराज लिखी है गांधी जी ने जब वो ट्रेवल कर रहे थे फ्रॉम तो साउथ अफ्रीका टू इंडिया उन्होंने हिंदू स्वराज लिखी है तो इसके अंदर कुल मिला के बीस चैप्टर हैं कितने हैं बीस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ऑर्गन ऑफ स्टेट कौटिल ने सप्तांग थ्योरी दी है और सातों के कुछ न कुछ अंक के मतलब बताएं आपको ये डिसाइड करना है अमात्य शुरीद शुरीद का मतलब इधर हुआ फ्रेंड दुर्ग ट्रेजरी ठीक है सर ये आप देख लीजिए क्वेश्चन ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी आपके ऑप्शन है आप मैच करने की कोशिश कीजिए पंद्रह सेकेंड आप ले लीजिए अमात्य शुरी दुर्ग ट्रेजर सप्तांग थ्योरी बताई उन्होंने सात ऑर्गन होती हैं स्टेट की और उसके अलग अलग मीनिंग से आपको इधर मैच करना है तो देखिए सब मैं बताता हूँ अमात्य जो होता है मिनिस्टर होता है मिनिस्टर जो होता है वो होती है उसकी आईस आंखें होती हैं शुरीत का मतलब होता है फ्रेंड फ्रेंड जो होता है वो होता है उसके कान आपका जो फ्रेंड होता है आपके कान होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता पर लेकिन आपको चीजें बता देता है दुर्ग जो है वो आपकी हो जाती है भुजाएं आर्म्स जो सही मेजर है और ट्रेजरी जो आपकी ट्रेजरी है वह मुख है मतलब पैसा बोलता है वाली बात है तो इसके तौर पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार अमात्य जो आपका मिनिस्टर है वो आपके आईज है आपका जो फ्रेंड है शुरीद है वो आपका ईयर्स है आपकी जो ट्रेजरी है वो आपका माउथ है और आपका जो दुर्ग है वो आपकी आर्म्स है सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य नेक्स्ट हाउ एवर किंग इज अ एवर किंग इज अूमन ही शुड नॉट बी जेलस विद अदर्स बिकॉज ही इज ह्यूमन इन फॉर्म ऑफ गॉड जबकि ह्यूमन एक आदमी है उसको किसी से घृणा और जलन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन भगवान के रूप में अवतार है ह्यूमन जो है वो भगवान के रूप में अवतार है किसने का कौटिल्य ने कहा कि कहाशं है ये कौटिल्य ने कहीं किया है महाभारत में है मनुस्मृति में है या ऋग्वेद में मेंशन है अब देखो इसके चारों जो कौन का जो ऑप्शन है इट मेक्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा क्योंकि आप महाभारत भी लगा सकते हैं आप कौटिल्य भी लगा सकते हैं आप मनुस्मृति भी लगा सकते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा काम करने के लिए तो राइट आंसर इस मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि जबकि ह्यूमन जो है जबकि जो किंग है वो एक इंसान है उसे किसी से जेलसी फैक्टर नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो भगवान का अवतार है तो उसे कहे को जेलस में होना किसी चीज के लिए तो ये चीज है ठीक है अभी कुछ किताबें हैं राइटर हैं आपको उनसे मैच करना है के एन बोस स्टडीज इन गांधीज्म जे धवन जे धवन साहब के सामने लिखा है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी वी जॉन्स के सामने लिखा है महात्मा गांधी और स्टैनले जोन्स के सामने लिखा है गांधी ऑफ फिलोसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन आपके सामने सोच लीजिए कौन सा क्या मैच होगा और ये ऐसे को जो क्वेश्चन होते हैं काफी डिफिकल्ट होते हैं आपको एक आध नाम पता होगा तो ही कर सकते हैं वरना आप नहीं कर सकते देख लीजिए ए बी सी डी वो थोड़ा ऊपर है तो मैं ऐसे ही दिखा पाऊंगा आपको पूरा फुल में एक साथ नहीं दिखा सकता ये है तो देखिए सर इसमें सारे जो हैं वो सही मैच हो रखे के एन बोस साहब ने लिखा हुआ है स्टडीज इन गांधीजम

इंग्लैंड के डिजरेली को यूएसए के लिंकन को या जर्मनी के बिस्मार्क को हिंद स्वराज गांधी जी की किताब 1909 में लिखी गई 20 अभी आपने देखे उसमें चैप्टर्स हैं ये भी पूछ लेते हैं हिंद स्वराज गांधी जी इज वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी एग्जाम इन पॉलिटिकल साइंस तो वहां पे वो क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा हिंद स्वराज या गांधी जी के ट्रस्टीशिप से सर्वोदय से इन क्वेश्चन आएंगे आएंगे एंड आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए तो जो हिंद स्वराज में सपोर्ट करते हैं वो जर्मनी के बिस्मार्क का करते हैं जो उसकी आयरन लॉ की पॉलिसी थी उसको सपोर्ट करते हैं गांधी जी सपोर्ट करता है बिस्मार्क के जर्मनी का क्योंकि वो अपने लोगों के भले के लिए उसने वहां पे कहा था कि अपने भले के लिए मैं काम कर रहा हूँ यहाँ के इन लोगों के लिए हाउवर उसका वो मोटिव कुछ और था पर उन्होंने सपोर्ट किया था गांधी ने अब ये पूछा जाता है भाई अर्थशास्त्र में बताओ कितने डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र में कितने डिपार्टमेंट लिखे गए हैं कौटिल्ली की जो अर्थशास्त्र है उसमें कितने डिपार्टमेंट बताए हैं राज्य के राज्य के कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं बत्तीस तैतीस पैंतीस नहीं आता, आता आपको कम से कम दस से बारह क्वेश्चन फैक्चुअल मिल जाएंगे ऐसे दस बारह तो नहीं आप सात क्वेश्चन आप फैक्चुअल मान के चले आपको मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो अर्धशास्त्र में डिपार्टमेंट थर्टी फोर बताए गए हैं नहीं आता लिख लीजिए मेंशन कर लीजिए अपनी किसी किताब में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए साहब गांधी जी आगे लिखा हुआ है सर्वोदय जेपी नारायण पंचशील नेहरू ट्रस्टीशिप विनोबा भावे टोटल रेवोल्यूशन अब देखो जेपी नारायण साहब टोटल रेवोल्यूशन, नेहरू साहब पंचशील इतना जानते हैं तो आप काम हो जाएगा गांधी जी के सामने आप ट्रस्टीशिप लगाएंगे और विनोबा भावे के सामने लगाएंगे सर्वोदय ठीक है ऑप्शन तो कौन सा बनता है इसके सामने ए का थ्री ए का थ्री बी का टू या फोर क्या है बी का फोर तो ऑप्शन बन गया लास्ट डी ऑप्शन बन गया ये ऑप्शन बन जाता है हमें पता है टोटल रेवोल्यूशन जेपी नारायण का है जो जवाहरलाल नेहरू साहब है उन्होंने करी है पंचशील नाइनटीन फिफ्टी फोर में अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी फोर में विनोबा भावे ने सर्वोदय का बहुत काम किया कॉन्सेप्ट किया और गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है इजी क्वेश्चन दिस इज अ गुड क्वेश्चन युगम के के अनुसार योग श्याम का मतलब क्या होता है दंड देना किसी क्राइम के लिए प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेट के लिए कुछ रिलेटेड है Conduct of ruler के लिए कुछ guidelines है? या दिस इज गुड क्वेश्चन क्या है तो योग शाम जो है ये नन ऑफ नन बिकॉज योग शाम का मतलब होता है गुडिनिस्ट्रेटर योग शाम का मतलब नहीं है अब अगला क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे हम विवेकानंद साहब की मेमोरिय मनाते हैं 12 अगस्त को तो ये जो हमने बनाना है बना चालू किया बारह अगस्त को वो किस साल से मनाना चालू किया नाइनटीन एटी फोरटीन एटी टिपिकल क्वेश्चन बताइए नेशनल यूथ डे पहले तो आप याद रख लीजिए आपको पूछा जा सकता है कभी करंट अफेयर में पूछ लेता है विवेकानंद साहब के लिए मनाया जाता है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे बोस साहब के लिए मनाया जा रहा है तो ये उन्नीस के साल से मनाया जा रहा है जो नेशनल यूथ डे है फॉर्म सोसाइटी फॉर राइट टू डाइवेट डिग्निटी सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी किसने बनाई जेपी नारायण मीनू मसानी कृष्ण अयर मेधा पाटेकर बताइए हु फॉर्म सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी सोच लीजिए अपना आंसर करेक्ट आंसर इज मीनू मसानी मीनू मसानी साहब ने ये सोसाइटी बनाई थी फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ लोअर कास्ट हैज अवारेड भारत रत्न इन विच ईयर जेपी साहब को भारत रत्न किस साल मिला उन्नीस सौ 1994 उन्नीस सौ चौरानवे या उन्नीस सौ भारत रत्न आपको कभी ना कभी पूछा जाएगा किसी ना किसी ईयर में आपको भारत रत्न का पूछा जाएगा और ये चीज ऐसी है जो पूछा थे एक बी आर अम्बेडकर साहब का भी भारत रत्न पूछा जाता है तो आप सोच लीजिए आपके साथ पंद्रह सेकंड का टाइम है तो जेपी साहब को जो भारत रत्न दिया गया वो 1999 में दिया गया 1999 और जेपी नारायण साहब बहुत फेमस हैं जेपी नारायण सोशलिस्ट हैं और इनके बारे में हर बार नेट में क्वेश्चन आता है जो मैं मानता हूं कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट इज रिटर्न बाय बता दीजिए जो इस क्वेश्चन को बताएगा मेरी तरफ से उसका मतलब प्रिपेशन बहुत तगड़ी चल रही है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट इस टॉरविंदोश सैयद सबद खान सैयद सैयद अहमद खान दैनन्द सरस्वती या दादा भाई नरोजी अब इसको आप सोच लीजिए दस सेकंड ले लीजिए जो इस क्वेश्चन को बताएगा मेरे हिसाब से मतलब काफी अच्छी नॉलेज है और एक बात और है जो हमारे जेपी साहब को जो भारत मिला था वो पब्लिक अफेयर के लिए मिला था उनको अपने काम के लिए कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट इन इंडियन ये काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्टो जो 1857 के ऊपर किताब है ये सैयद अहमद खान साहब ने लिखी है इसको आप जान लीजिए विच इज नॉट रिटन बाय दयानंद सरस्वती सरस्वती इनमें से कौन सी सरस्वती साहब की किताब नहीं है इज इट अष्ट अध्याय भाष्य महानिर्वाण तंत्र संस्कार विधि या नन इन मतलब नन मतलब सभी लिखी हुई है इन्होंने सोच लीजिए क्या चीज है देखो भाई यह महानिर्वाण तंत्र है ये दयानंद सरस्वती साहब ने नहीं लिखी है बाकी सारी किताब लिखी हुई है मतलब अष्ट और संस्कार विधि दयानंद सरस्वती साहब साहब लिखते हैं दयानंद सरस्वती आर्य समाज से जुड़े हुए थे आर्य समाज अठारह समथिंग के अराउंड बना है जिसका एक फेमस नारा था वेदों की ओर चलो उसने सोशल वेलफेयर के लिए काफी काम किया अब मैच करनी है लिस्ट वन विद लिस्ट टू साहब देखो कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए अब देखो ये पार्टीज हैं और इनके ईयर आपको कभी कभी पूछ लेता है तो इसमें श्रिरोमण अकाली दल अगर किसी को नहीं भी पता तो पता है कि ये के बनी थी श्रिरोमणी अकाली दल क्योंकि उनका एक रेवोल्यूशन हुआ था वो उन्होंने महंत जो हुआ करते थे जो पंजाब में जो गुरुद्वारा को संभालते थे वो करप्ट महंत के खिलाफ ट्वेंटीज में रिवॉल्व हुआ था तो ट्वेंटीज में दो ही है करीबन ट्वेंटीज के एक सत्रह है और इक्कीस है तो अगर मैं यहां से जाता हूँ कि मेरे को ये देखना है कि शिरोमणि अकाली दल बी तो बी किस में आता है एक ही दो में आता है तो अगर आपको जानना है तो आपको पता होना चाहिए जस्टिस पार्टी जो है वो उन्नीस में बनी है ठीक है भाई ए, ए एक एका तीन ए का तीन अगर आपको पता है तो सिर्फ आप इसी के थ्रू कर लेंगे और शिरोमणि अकाली दल है वो 1921 में बना है हिंदू महासभा जो है वो 1925 में बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में बनी है और यूनियनिस्ट पार्टी जो कभी पंजाब में हुआ करती थी वो 1936 में बनी है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी जैसे जस्टिस पार्टी आप याद रख सकते हैं ईवी रामे स्वामी अय्यर की जस्टिस पार्टी 1917 में बनी है श्रीमणी अकाली दल 1921 में हुआ है हिंदू महासभा 1925 ट्वेंटी फाइव नेशनल कॉन्फ्रेंस आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं मैं नहीं मानता आपको तीन ऊपर के पता होने चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पता ही नहीं पता हुआ वो मतलब आइडिया होना चाहिए थर्टीज में आपको मैच करने आ जाएगी बताओ बीजेपी पहले बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बनी बीजेपी बहुत लेट बनी है एटी में तो ये है संघ का बोल सकते हैं संघ फिफ्टीज में बनी है तो एक रफ आइडिया होना चाहिए हु कॉल्ड सर्वोदय जन समाजवाद पीपल सोशलिज्म सर्वोदय को जन समाजवाद किसने कहा आचार्य कृपलानी साहब एम एन रॉय गांधी या जेपी चलो जब आप इसका क्वेश्चन दे रहे हो तो पहले पहले बताओ किसने सबसे नॉन पार्टी गवर्नमेंट सबसे पहले किसने वो दिया स्टेटलेस गवर्नमेंट का एनआर की जो है स्टेटलेस गवर्नमेंट का सबसे पहले किसने नारा दिया सरकार नहीं चाहिए सोशलिस्ट में इस क्वेश्चन का आंसर है जेपी नारायण साहब ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर आर्टिकल्स भाषण ये क्वेश्चन एक पीजीटी का क्वेश्चन था मुझे ठीक लगा ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है पहले तो सबसे पहले नेहरू साहब ने लिखी है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और जब उन्होंने वो लिखी थी वो लेटर्स के फॉर्म में लिखी थी फॉर्म में लिखी थी वो ये लेटर्स गांधी जी को पोस्ट किया करते थे उस समय पे। तीसरा सेक्शन आगे हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का मैन इज बोर्न फ्री बट इज टाइड इन चेन एवरीवेयर वेरी फेमस क्वेश्चन प्लेटो बोदीन रूसो या बेंथम। ये सही क्वेश्चन आपको नहीं दे सकता अगर नेट देगा तो तो इसका सही आंसर है रूसो विदाउट मैं आगे चलता हूँ रूसो रूसो ने डिवाइड किया था जैसे अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को डिवाइड किया था ऐसे रूसों ने भी डिवाइड किया था अपनी गवर्नमेंट तो इनमें से कौन इसका पार्ट नहीं है एरिस्टोक्रेसी मोनार्की डेमोक्रेसी या की कौन सा उसका पार्ट नहीं है उसने डिवाइड किया था उसने तीन पार्टों में गवर्नमेंट को डिवाइड किया था कौन सा इनमें से क्या पार्ट नहीं है आपको बताना है रूसो जो है मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के बीच में आप सोच रहे हैं रूसो जो है लॉजिक के खिलाफ था रूसो ने इज अगेंस्ट द लॉजिक नेचर 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 ऑफ 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 जस्ट स्टेट मैन था वो ऑफ मतलब पहले अच्छा था सोसाइटी बनने के बाद जो मैन था वो सेल्फिश बन गया अकॉर्डिंग टू रूसो तो उन्होंने ओली को नहीं माना डिवीजन ऑफ सोसाइटी में डिवीजन ऑफ सोसाइटी में उन्होंने एरिस्टोक्रेसी मोनार्की और डेमोक्रेसी दिया और थोड़ा अलग भी लग रहा है अगर आपको नहीं पता तो थो, आप थोड़ा जज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू ब्रास पॉल ब्रास इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज इन डेंजर फ्रॉम पॉल ब्रास ने बोला था अपनी जब किताब लिख रहे थे उस टाइम पे एक किताब मेंशन करते हैं कि जो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है इंडिया की वो खतरे में है किस चीज की वजह से क्या वो पंजाब है क्या वो नॉर्थ ईस्ट है क्या वो कास्टिज्म है या कश्मीर है ऑप्शंस आपके सामने है वन और फोर पंजाब और कश्मीर नॉर्थ ईस्ट और कास्टिज्म या पंजाब नॉर्थ ईस्ट कास्टिज्म या सभी टाइम ले लीजिए आप <coughs> सर उन्होंने कश्मीर को कभी नहीं माना कि इंटीग्रिटी में खतरा है पर पंजाब को नॉर्थ ईस्ट को और कास्टिज्म को जरूर माना प्रास ने ये क्वेश्चन इस तरीके से है रिपब्लिक डू नॉट गिव किसने कहा कि जो रिपब्लिक है वो आइडियलिस्टिक पिक्चर नहीं देती बिकॉज ये एक किताब है रोमांस के ऊपर पर लेकिन प्लेटो इससे क्या दिखाना चाहता था कि वो एक आइडियलिस्टिक आइडियलिस्टिक जो व्यू होती है उस पर वो साइंटिफिक अटैक दिखाना चाहता था कि मेरी किताब साइंटिफिक भी है किसने ऐसा कहा सबाइन डनिंग बारकर या एबेनस्टीन सोच सकते हैं आप इसके बारे में कि किसने कहा होगा या क्या कहा तो एबेनस्टीन ने बोला है ये साहब थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और आप इसको याद कर लीजिए कल को आपके एक पेपर में भी पूछी जा सकती है आइडल स्टेट ऑफ प्लेटो हैज अ पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ कितनी बताई थी कि भाई मेरे इस आइडल स्टेट में इतनी पॉपुलेशन फाइव जीरो फोर जीरो सिक्स जीरो फोर जीरो सेवन जीरो फोर जीरो या दस हजार और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है साथ में दस हजार किसने बताई कि इतनी मेरी आइडल पॉपुलेशन होगी दस हजार ये भी आपको बताना है तो जो प्लेटो ने जो एडल पॉपुलेशन बताई थी वो बताई थी फाइव जीरो फोर जीरो और जो ये दस हजार है ये रूसो ने भी बताई है पॉपुलेशन क्या है वो है दस हजार अकॉर्डिंग टू हेम पहला यूटोपियन थिंकर अब मैं क्यों क्वेश्चन पूछना पुछन चाहता हूँ ये सबको पता होगा पहला यूटोपियन थिंकर कौन है अगर आप ठीक ठाक पढ़े हैं तो पता है कि प्लेटो है मैं पूछना चाहता हूं पहला यूटोपियन थिंकर प्लेटो को किसने बोला हु सेड प्लेटो फर्स्ट यूटोपियन थिंकर ये मेरा क्वेश्चन बनता है आपसे अगला कि कौन ऐसा मानता है तो प्रोफेसर मैक्सी ने कहा है यूटोपियन थिंकर प्लेटो को ठीक है सेड वी फॉलो द रूल्स विच वी मेड फॉर अवन सेल्फ हम वो रूल्स फॉलो करते हैं जो हम अपने लिए बनाते हैं ये स्टेटमेंट में जो पॉलिटिल थिंकर ये कहना चाहता है कि जो लॉ बन रही है उसे फॉलो करना चाहिए मतलब वो लॉ हमारे लिए भी है जो बना रहा है और लोगों के लिए भी मासिस के लिए भी है क्या वो रूसो है लॉक है हॉप्स है मकईवली है आंसर इज ए रूसो देखो क्वेश्चन अच्छे हैं

तो ये स्टेटमेंट भी बोला गया है रूसो साहब के द्वारा रूसो ने ये बोला है स्टेटमेंट लोएस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो प्लेटो के अकॉर्डिंग लोएस्ट स्टेट क्या थी डेमोक्रेसी ओलीगार की डिक्टेटरशिप यमोनार की देखो स्टोरी ऐसी है कि प्लेटो का जो गुरु था वो सॉक्रेट्स था और सॉक्रेट्स को जो फांसी दी गई थी उस टाइम पे वहां पर थे डेमोक्रेसी थी

दिस काल पॉपर जिन्होंने बहुत फेमस एक किताब लिखी थी एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी जिसके अंदर उसने तीन लोगों को रखा था ये भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर उसने मार्क्स को रखा था अपना प्लेटो को रखा था पॉपर आरएच क्रॉसमैन निस्बर्ट या ब्रेटन ड्रेसल किसने प्लेटो को टोटलीटेरिज्म नहीं माना राइट आंसर इज ब्रेट एंड रसिल साहब है, है टोटेलिटेरियन नहीं माना है बाकी पॉपर ने आर एच क्रॉसमैन ने और निजेट ने इसको माना है प्लेटो डेवलप थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ इन्फिनाइट रियलिटी नेचर ऑफ इन्फिनाइट रियलिटी उसने किस किताब में ये दी नेचर ऑफ इंफिनाइट रियलिटी क्या वो टीमियस में दी क्या वो रिपब्लिक में दी लॉज में दी या पॉलिटिक्स में दी तो ये जो उन्होंने थ्योरी दी है वो टीमियस में दी है टीमियस उनकी एक किताब है प्लेटो की अगर नहीं पता आपको पता होना चाहिए उसके अंदर वो एक थ्योरी देखते हैं नेचर ऑफ इनफिनाइट रियलिटी का असली सच्चाई क्या है हु कंसीडर प्लेटो जस्टिस एज अ मॉरल कौन प्लेटो के जस्टिस को मॉरल कॉन्सेप्ट मानता था एम फॉस्टर ब्रेटन रसल लोवेल या बर्लिन इजाया बर्लिन इस दो कॉन्सेप्ट जो दो जो ऑप्शन हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग करने वाले हैं बाकी मेरे को ठीक लगते हैं इसका राइट आंसर है एमपी फॉस्टर एमपी फॉस्टर ने प्लेटो के जस्टिस को मॉरल माना हु कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेशन टू जस्टिफाई द सुप्रीम पावर सोवरन को कॉरपोरेशन किसने बोला कहने का मतलब यह है, अपने सोवरन को कॉरपोरेशन से किसने कंपेयर किया मेरा सोवरन जो है वो कॉरपोरेशन है इज इट बोदीन इज इट हॉप्स इज इट रूसो इज इट हीगल? टेक योर टाइम देखो दो ही चीज बनते हैं आप रूसो और हॉप्स बुदिन और ईगल नहीं बनते वैसे बुदिन सोवरेनिटी की बात करते हैं फर्स्ट पर्सन टू टॉक ऑफ सोवरेनिटी बट इस क्वेश्चन में यहाँ नहीं बनता और कॉर्पोरेट <laughs> <laughs> कॉर्पोरेशन से ऑप साहब ने इसको अब किया है सोवरन को ऑप्स हु कॉल्ड लेवियाथन इज अ बुक ऑन फ्लैटरी जो लेवियाथन है वो चापलूसी की किताब किसने बोला क्लेडर्न एफ टॉनी लियोस्टेरस या सेम्यूल्स तो इसको बोला गया है आप सोच लीजिए इसको बोला गया है क्लेडरन ने क्लेडरन साहब ने इसको बोला है लास्ट है हु कॉल्ड द होब्स कॉन्ट्रैक्ट किसने कहा है कि हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन सब्जेक्ट हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब्जेक्ट के बीच में है जो हॉब्स ने क्या कहा था भाई हॉब्स का जो जो कॉन्ट्रैक्ट था थो थोड़ा अनोखा था लेवियाथन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ उसका कॉन्ट्रैक्ट तो ये आपको पता होना चाहिए लोगों के बीच में था कॉन्ट्रैक्ट

होप आपको आपको पसंद आया होगा आपको मैं नीचे डाल दूंगा कि आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी होपफुली दिस इज यूजफुल फॉर यू और कीप स्टडिंग